हे गाइस, क्या हाल है मेरे भाइयों को। तो आज तुम्हारा भाई लेके जा रहा है तुमको इतनी बढ़िया जगह जो कि तुम देखोगे ना मजा आ जाएगा। चलो चलते हैं, लेट्स गो। फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ रोहिणी ईस्ट, और रोहिणी ईस्ट से ही तुम्हें रिक्शा या कुछ कर लेना है डीसी चौक के लिए, सेक्टर 9। तो वहाँ पे अपना रो आइसक्रीम वाले हैं, रो क्रीम्स जिनका नाम है। तो अभी चलते हैं, बैठ गया हूँ और चलते हैं अपना, फिर मिलते हैं। फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ रो क्रीम्स, जो कि रोहिणी सेक्टर 9 डीसी चौक कृष्णा 37 सुपर मार्केट के अंदर है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लुक एट दिस। देखो वो सामने दिख रही होगी आपको रो क्रीम्स, और ये पूरी मार्केट है जो कि रोहिणी सेक्टर 9 कृष्णा 37 सुपर मार्केट। तो चलते हैं रो क्रीम्स के अंदर, और इनके फेमस हैं क्या कहते हैं उसे, धुएं वाले बिस्किट और धुएं वाले आइसक्रीम, धुएं वाली आइसक्रीम। बिस्किट एंड ये है वेफर्स, जो कि वेफर्स होती है ना चॉकलेट, वो ले लिया इन्होंने। और ये अब इनको ना मतलब ये कट कर रहे हैं, ठीक है, और ये कट हो जाएगी और उसके बाद भाई ये डाल देंगे उसके अंदर अपना। वो गिलास सा होता है इनके पास, तो उसमें लिक्विड, ये देखो ये गिलास है, और ये तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं इसके अंदर। ये तोड़ तोड़ के डालने के बाद ये जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये देखो ये ड्राम सा जो है इसके अंदर ही है नाइट्रोजन। तो अब ये डाल रहे हैं नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन कहते हैं इसे, तो ये लिक्विड नाइट्रोजन है। ये देखो, और देख रहे हो भाई धुआं कितना ज़्यादा निकल रहा है यार, देख रहे हो, क्योंकि ये 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में होती है। और भाई अब देखो इन्होंने डाल दिया, और ये इसको मतलब थोड़ा सा ना हिलाएंगे, और देखो भाई देखो कैसे धुआं निकल रहा है, देखो इस पे से पूरा धुआं निकल रहा है, देखो पूरा जम जाएगा, ये देखो ये पूरा जम गया है, देखो, और भाई पूरा जम गया है देखो, और देखो धुआं ही धुआं निकल रहा है, ये देख रहे हो पूरा। और भाई साहब मतलब ये हाथ भी नहीं लगा सकते, ऐसा हो चुका है इस टाइम, मतलब यार -196 सेल्सियस, यू नो कितना मतलब कितना ज़्यादा होता है, तो भाई मुँह भी जल सकता है, पता है ऐसा है ये। और देखो जैसे कि देखो कपड़े से पकड़ेंगे, और कपड़े से पकड़ के ये जो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन है, पूरा इसको गिरा देंगे, मतलब पूरा इसके अंदर वापस डाल देंगे, नाइट्रोजन हो जाएगी बाकी इसमें। देखो ये वापस डालने के बाद ये अपना कप में लगा देंगे, दे देंगे, फिर करते हैं ट्राई और खाते हैं और दिखाते हैं आपको। देखो ये डाल रहे हैं, ये कप में डाल दें इन्होंने, और अब चलते हैं खाने। फिलहाल मैंने खा लिए हैं अपने नाइट्रोजन बिस्किट्स एंड ओरियो, वो जो था वेफर्स से बना हुआ था, और भाई बड़ा ही अच्छा था, बड़ा ही टेस्टी था। अभी तो गाइस फिलहाल अपना लग रहा है बेरी ब्लास्ट आइसक्रीम रोल्स। भैया ये क्या डाला आपने, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी डल गई है भाई, और ये बेरीज, ये बेरीज डल गई हैं, और ये देखिए ये बेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज डाल दी इन्होंने। और ये भैया ये ब्लूबेरी
क्रस सिरप, और ये स्ट्रॉबेरी सिरप, ठीक है। वेनिला बेस डल रहा है ये, डला इसके ऊपर वनीला बेस, और अब ये करेंगे इसे मिक्सअप। तो भैया ये देखो आप कट रहा है इसका रोल, और ये इन्होंने काटा, ये देखिए ये बना एक रोल, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चार बन गए भाई, छह बन जाएंगे टोटल, ये पांच, और ये छह। तो इसको कप में डालेंगे, तो आ गया भैया कप, ये इसमें डाल देंगे, ये अपना रॉ क्रीम्स, और अभी इसकी टॉपिंग भी होगी ना भाई, अभी इसकी टॉपिंग होनी है, और ये फाइव, और एक बार आ जाएगा बीच में छः, ठीक है। लुक एट दिस, अब इसकी होगी टॉपिंग, ये देखिए गाइस, ये हो गया रेडी, और ये हो गया है रेडी, अब इसे खाते हैं। ये देखो लग तो बहुत टेस्टी रहा है, ये देखो ये भाई चम्मच है, तुम जानते होगे इसे चम्मच है, ये देखो भाई ये चम्मच है, इधर आ जा,
ये भाई का हमारा तोड़ लिया, ये नेचुरल आइसक्रीम, ये नेचुरल आइसक्रीम। और भाई जब आओगे ना खा के पता चल जाएगा बिल्कुल नेचुरल है। कल हमने रॉ आइसक्रीम से आइसक्रीम खा ली है एंड उनके बिस्किट्स खा लिए हैं, धुएं वाले बिस्किट। और भाई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, आप भी आओ। दो तीन ब्रांचेज हैं इनकी, आप नेट पे सर्च करो और भाई काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी अच्छा फील होगा, एक्सपीरियंस लीजिए ज़रूर। फिलहाल चलते हैं अब घर, बाकी यहाँ का रोहिणी ईस्ट आया था, मैं यहाँ का एक्सपीरियंस हो गया है पूरा। कल मैं आ गया हूँ घर और भाई करते हैं वीडियो को एंड। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई कमेंट करके बताया करो कैसी लगी वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।